स्थानीय सियासत की 6 सेंचुरी बीसी से शुरू होती है, जब लोहे का उत्पादन की शुरुआत हुई थी। लोहे से बने हथियार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार में काफी जोरों से चल रहे थे। यहीं से सैनिकों की शक्तियों को मानो पंख सा लग गया। आम आदमी और खास में युद्ध कला और हथियार का इस्तेमाल मुख्य भूमिका निभाने लगे, और जिसके पास ज्यादा लोग और हथियार होते थे वो राजा कहलाने लगे। यहीं से शुरुआत होती है द ग्रेट इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स की। लोहे सिर्फ हथियार के लिए नहीं, खेत जोतने के लिए, माल ढुलाई के लिए और भी कई सारे कामों के लिए कारगर साबित होने लग गए। अब पहले से ज्यादा उपज होने लगे और लोग अपनी जरूरत से ज्यादा उपज को अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक अधिकारियों यानी राजाओं को देने लगे। उन दिनों छोटे कबीले जना के नाम से जाने जाते और कुछ गांव के समूह को जनपद भी कहा जाता। जनपद अर्थात जन का मतलब लोग और पद का मतलब उनके पैर या पैरों के निशान को जनपद कहते थे हम। उसी तरह कुछ बड़े राज्य थे जिनको हम महाजनपद भी कहते थे। उन दिनों 16 महाजनपद हुआ करते थे पूरे भारतवर्ष में। ये महाजनपद ज्यादातर विंध्या के पहाड़ों के बराबर के राज्य थे जो आज के बिहार तक फैले हुए थे, जिसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती मुख्य महाजनपद थे। पहाड़ों की तराई में रहने के दो मुख्य कारण थे। पहली ये कि वहां पानी, फल फूल इत्यादि के लिए, लकड़ियों के लिए कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती थी, और दूसरी ये कि जंगल, पहाड़ और नदी उस राज्य को बाहरी आक्रमणकर्ताओं से सुरक्षित रखते थे। अंग प्रदेश आज का मुंगेर और भागलपुर, जहां की राजधानी चंपा हुआ करती थी, 6 सेंचुरी बीसी तक के अवशेष आज भी वहां खुदाई के दौरान पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कौशल प्रदेश में उस वक्त से साख्य आदिवासी गणतंत्र यानी रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रहा करते थे। कौशल प्रदेश के पड़ोस में मल्हा राज्य हुआ करता था, जो वज्जी राज्य के उत्तर में गौतम बुद्ध का निधन मल्हा के राजधानी कुशीनरा में हुआ था। यह आज के देवरिया जिले में स्थित है। इधर पश्चिम में वत्स राज्य था, जो कि यमुना नदी के निकट बसा हुआ था। यह मुख्यतः कुरु साम्राज्य के लोग जो उस समय हस्तिनापुर में रहा करते थे, वो वहां से आकर यहां बसे थे। इनकी राजधानी कौसंबी हुआ करती थी, जो कि इलाहाबाद के निकट थी। आज के मध्य प्रदेश या आप कह सकते हैं सेंट्रल मालवा रीजन, वहां अवंती राज्य था, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, उत्तर में उज्जैन और दक्षिण में माहेश्मति। यहां पुराने समय से ही काफी हथियार बनाए जाते थे, वह बनाए भी और बेचे भी जाते थे। इन्होंने इन्हीं सारे हथियारों के बदौलत ही एक काफी सशक्त राज्यों का नींव रखा था। इन सारे राज्यों में हमेशा से ही होड़ लगी रहती थी कि कौन किससे आगे निकलेगा। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध, और 2500 साल से भी पूर्व उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, यह भूमि है जिसकी धरती ने जन्मी थी मां सीता। महाभारत युग में यहीं के राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में हराकर रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया का सबसे पहला सम्राट दिया था। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य भी दिया था। यह भूमि है महावीर की, यह भूमि है भगवान बुद्ध की, गुरु गोविंद सिंह की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की, यह भूमि है आंदोलन की, यह भूमि है बिहार की, या यूं कहिए मगध की। 16 जनपदों में सबसे तेजी से जो आगे बढ़ रहा था वो मगध राज्य था। जब यहां के राजा बिंबिसारा हुआ करते थे, वो हिरण के डायनेस्टी के थे। इन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली थी। इनसे मगध राज्य को फैलाने की जो कोशिशें थी वो शुरू हुई थी, जो कि कलिंग युद्ध में अशोका के बाद जाकर थमी, जब कहा जाता है कि 1,00,000 लोग मरे थे और इस युद्ध में दया नदी का पानी खून सा लाल हो गया था, और इसे देखकर ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। वह अहिंसा के राह पर चलने लगे थे। तब तक मगध राज्य का विस्तार होता रहा था।
बिंबिसारा ने अपने राज्य को सशक्त करने के लिए कई सारी कूटनीतिक चालें भी चली। उन्होंने 3 विवाह करा था। उनकी पहली जो पत्नी थी वो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। इनसे विवाह करने के पूर्व उनको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप मिली थी। उन राज्यों के साथ व्यापार के साधन भी खुले थे। उन राज्यों के साथ व्यापार के और भी नए रास्ते खुले। टैक्स फ्री या कह सकते हो ऋण मुक्त व्यापार के साधन का आश्वासन मिला। उनकी दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी थी, वो वैशाली से थी, और तीसरी पत्नी माद्रराज पंजाब के प्रमुख की पुत्री थी। इन सब से मगध को काफी ज्यादा समृद्धि हासिल हुई और वो काफी बड़े राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। उन दिनों मगध का सबसे बड़ा शत्रु अवंती हुआ करता था, चंद्रप्रभायुक्त महासेना। माहिष्मति और उज्जैन को एकजुट कर काफी दिनों तक युद्ध करा मगध से, पर फिर भी प्रद्युत उनसे जीत नहीं पाया। अंत में प्रद्युत को पीलिया की बीमारी हुई, जिसे आप जॉन्डिस भी कहते हैं। तो भीमबिसारा ने अपने कूटनीतिक तौर तरीके को अपनाया और उन्होंने पाटलिपुत्रा से वैद्य भेजकर दोस्ती और डिप्लोमेटिक कदम और यह कूटनीतिक चाल से अवंती और मगध के बीच घनिष्ठता बढ़ गई। इन मधुर संबंधों के का फायदा उठाकर मगध ने अपना व्यापार अवंती की तरफ भी विस्तार करा। उधर जब युद्ध हो रहा था, उसी दौरान उज्जैन के शत्रु गांधार राज्य से भी मगध ने मित्रता कर ली। इन सबको मिलाकर मगध एक काफी बड़ा साम्राज्य बन चुका था। अब तक कहा जाता है 600 BC में मगध के 80,000 गांव थे। उस वक्त मगध पर हमला करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनकी राजधानी राजगीर में हुआ करती थी, जो कि 5 पहाड़ों के से घिरा हुआ था, और उसमें दूर से हमला कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसारा ने 52 साल राज्य करा था, 554 BC से 492 BC तक। इनके बाद इनके बेटे ने गद्दी संभाली, जो कि काफी क्रूर और चालाक राजा था। उनका नाम था अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबिसारा की हत्या करके गद्दी छीनी थी। अजातशत्रु ने काफी जंग लड़े। कहा जाता है कि काशी और कौशल राज्य को इकट्ठे हराया था। कौशल की पुत्री से इन्होंने विवाह करा, कौशल प्रदेश को मगध में शामिल किया। अजातशत्रु ने रिश्तों की कभी सम्मान नहीं करा। उनकी माता वैशाली से हुआ करती थी, फिर भी लिच्छवी साम्राज्य पर हमला करने से पहले उन्होंने एक नहीं सोची। फिर भी उन्हें 16 साल लग गए वैशाली को हराने में। मगध के वैज्ञानिक काफी ज्यादा सक्रिय थे, जिसके वजह से वो वैशाली को हरा पाए। उन्होंने 2 ऐसे यंत्र इजाद करे, जिसके वजह से तीरों और पत्थरों की वर्षा करी जा सकती थी। अजातशत्रु ने अवंती को भी हराने की कोशिश करी, क्योंकि बिंबिसारा की मृत्यु के बाद मगध और अवंती के रिश्तों में करवाहट फिर से खुल चुकी थी, और 100 साल पुरानी दुश्मनी में फिर से मानो आग सा लग गया था। माहिष्मति और उज्जैन के सेना ने वत्स और कौशाम्बी को पहले ही रखा था, और अब वह मगध की ओर रुख कर रहे थे। इसके उत्तर में अजातशत्रु ने अपनी राजधानी बदलने की ठानी। अगले एपिसोड में जानिए उन्होंने आगे क्या करा, सिकंदर कौन था, मगध के आगे उसने घुटने क्यों टेके, जानिए हमारे अगले एपिसोड में। और बने रहिए चैनल जॉइनिंग डॉट्स के साथ। धन्यवाद।